हेलो स्टूडेंट्स दिस इज वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टूडेंट्स आई होप कि कुछ टाइम के बाद हमने फिर से इस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म को शुरू किया है आई होप कि आप सभी को मालूम होगा कि इस कोविड नाइन्टीन की जो सचुएशन है इस सचुएशन के कारण स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है और इस बात को देखते हुए इस बात को देखते हुए जाफ्रिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कारगिल की तरफ से सभी स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट टू ट्वेल्व ये इनिशिएटिव फिर से उठाया है टू टीच ऑनलाइन क्लासेस फॉर दियर स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स आई होप कि इस पैंडमिक के सिचुएशन में भी आप सभी आई होप अपने घरों में सेफ होंगे ठीक होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी पूरी तरह से जो कोविड थे और पैंडमिक की जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो कर रहे होंगे आ uh, ये हमारी समहाउ एक रिस्पॉन्सबिलिटी है टू फाइट विथ कोरोना और uh, हमें इसके लिए पूरी तरह से uh, जो गाइडलाइंस बता दिया गया है उस गाइडलाइंस को हमें फ़ॉलो करने चाहिए और मुझे उम्मीद है एंड आई होप कि आप सभी uh, उन सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे आ, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें द एज ऑफ इंडस्ट्रलाइजेशन की क्योंकि इससे पहले हमने uh, जो ग्लोबल वर्ल्ड के जो चैप्टर था पार्टिकुलरली रिलेटेड टू द ग्लोबलाइजेशन उस चैप्टर को हमने आई होप कि कंप्लीट किया है और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर इज़ द एज ऑफ इंडस्ट्रलाइजेसन Uh, so students, will uh, hamara, uh, Jo first uh, topic and the introductory lecture of the age of industrialization. the phase in which production of handmade goods declined and technology increased is called industrial revolution. जो फेस हैंडमेड प्रोडक्शन से टेक्नोलॉजी में जो फेस कन्वर्ट हुआ उस फेस को हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं कहने का मतलब ये है कि जो हैंडमेड गुड्स है या जो हैंडमेड गुड्स थे वो गुड्स की जो प्रोडक्शन थी जब वो डिक्लाइन होने लगा और टेक्नोलॉजिकल गुड्स जो है इंक्रीज होने लगे और उस फेज को हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम दिया इस फेज में और क्या क्या हुए स्टूडेंट्स इस फेज में एग्ररियम सोसाइटी ट्रांसफॉर्म टू एग्रीकल्चर सोसाइटी स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एर्ली फेस पार्टिकुलरली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले कि अगर हम फेस के बात करें तो उस समय एक एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी था बट ड्यू टू द टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के कारण इस एग्रीकल्चर फेस से ट्रांसफॉर्म्ड हुआ इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सो so, जो फेज़ एग्रेरियन सोसाइटी से ट्रांसफॉर्म होता है एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ उस फेस को हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या एज ऑफ इंडस्ट्रलाइजेशन का नाम दिया इट वॉज ए पीरियड फ्रॉम सेवनटीन सिक्सटीज़ टू एटीन फोटीज़ यानी जो एक पार्टिकुलर पीरियड है फ्रॉम सिक्स सेवनटीन सिक्सटीज़ टू एटीन फोटीज़ इस पार्टिकुलर फेज को हम ऐज ऑफ इंडस्ट्रलाइजेशन का नाम देते हैं सो so, स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि इस लेक्चर के पार्ट का इंट्रोडक्ट्री लेक्चर था इसी तरह से इस पूरे चैप्टर को हम टोटल सिक्स या सेवन लेक्चर में कवर करेंगे ये जो है फर्स्ट लेक्चर था जो कि इंट्रोडक्टरी था इसके बाद हम बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को देखेंगे यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले की फेस को हम डिस्कस करेंगे इसके बाद हमारा थर्ड लेक्चर होगा हैंड लेबर जिसमें हम पार्टिकुलरली जो वर्कर्स हैं द फार्मर्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे Uh, हमारा फोर्थ लेक्चर होगा इंडस्ट्रलाइजेशन इन दालोनीस यानी जो कॉलोनीस uh, थे पार्टिकुलरली uh, जो कंट्रीज़ कॉलोनीज बने थे उनमें हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या इंडस्ट्रलाइजेशन की फेस को देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक होगा फैक्ट्रीज़ इन इंडिया इसमें हम पूरी तरह डिस्कस करेंगे फैक्ट्रीज़ uh, के बारे में पार्टिकुलरली इन फेवर ऑफ़ इंडिया फिर हमारा सिक्स लेक्चर होगा अपिकिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सेवेंथ होगा मार्केट फॉर गुड्स और इसके बाद हमारा जो एट होगा इसमें हम uh, पूरी तरह से इस टॉपिक को एक बार रिवाइज़ करेंगे और इसके बाद ख़त्म करेंगे So, students, welcome to the series and welcome to the chapter of the Age of Industrialization. सो स्टूडेंट्स आई होप कि आप सभी को यू uh, नो you know, uh, जो हमारी पार्टिकुलर इस चैप्टर है इसमें अगर uh, कोई भी डाउट रहता है तो आप uh, किसी भी सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में आप जो है लिख सकते हैं और हमें अपनी क्वायरीज बता सकते हैं एंड आई होप और आई सजेस्ट यू एंड कि आप सभी अपने घरों में रहिए सेफ़ रहिए और पूरी तरह से जो गाइडलाइंस बता दिया गया है उन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करनी चाहिए क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में वी शुड नीड टू फाइट विथ डिस करोना वायरस सो आई होप कि आप सभी इन चीज़ों का पालन कर रहे होंगे और आज से ही हमारा uh, जो चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ है द एज ऑफ इंडस्ट्रलाइजेशन और इस पार्टिकुलर uh, सीरीज़ में अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो वो यूजुअली uh, डिस्कस uh, कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कोई भी क्वायरीज रहता है तो आप मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है मैसेज कर सकते हैं सो uh, स्टूडेंट्स so uh, मैं पाट यहीं पर uh, जो हमारा uh, आज के जो लेक्चर है वो ख़त्म कर रहा हूँ और इसके बाद आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर मुझसे जोड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज बता सकते हैं थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स थैंक थैंक्स टू ऑल ऑफ यू अ गुड डे